डूंगरपुर के पूर्व सभापति एवं भाजपा राजस्थान के स्वच्छता अभियान के प्रदेश संयोजक, राजस्थान प्रदेश के स्वच्छता अभियान के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स क्षेत्र के निवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर संवाद के जरिए अपनी बात कही और न्यू नवरत्न क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण इन तीन विषयों पर स्वयं प्रेरणा से कार्य करने और अपने कार्य के जरिए लोगों को जोड़कर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित किया। प्रारंभ में सामाजिक कार्यकर्ता गौरव भादविया ने के गुप्ता का स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों ने पगड़ी, उपरना, शॉल धारण करा उनका नागरिक अभिनंदन किया। नवरत्न कॉम्प्लेक्स के नागरिकों के साथ संवाद में श्री के गुप्ता ने पर्यावरण, स्वच्छता, जल संचय विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अपने घर से इन सब विषयों पर कार्य प्रारंभ करना होगा और इसी के साथ हमारे देश के भविष्य बच्चों के संस्कारों को भी हमें बढ़ाना होगा और उन्हें संस्कारित करना होगा, तभी हम अपने कुल, अपने नगर और राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकेंगे। के गुप्ता ने नवरत्न कॉम्प्लेक्स को कैसे हरा भरा किया जा सके, स्वच्छता अभियान को किस प्रकार से आमजन के सहयोग और सौजन्य से लागू किया जा सके, उसी प्रकार अच्छे फलदार, फूलदार और छाया वाले बड़े वृक्षों का रोपण कर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर बात की। अक्षय तृतीया के इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने घर का कचरा सड़क पर नहीं डालेंगे, साथ ही जो बेकार प्लास्टिक होता है उसको भी सड़क पर नहीं फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में किए गए जनहित के कार्यों के छोटे छोटे उदाहरण से उपस्थित कॉलोनी वासियों को समझाने का प्रयास किया कि कोई भी चीज असंभव नहीं। जमीन के अंदर जल की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अपने घर के बरसात के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन में डालकर अपनी वाटर लेवल की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर को केवल 5 वर्षों में आमजन के सहयोग एवं प्रशासनिक कर्मठता के चलते विश्व मानचित्र पर ला खड़ा किया। इस पर पूरी निगरानी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की होगी, तभी हमारा देश स्वच्छता अभियान में सबसे ऊपर के पायदान पर खड़ा मिलेगा। काम बोलता है, काम दिखता है और ये सत्य है कि अच्छे काम की जनता तारीफ भी करती है। के गुप्ता ने स्थानीय नागरिकों के साथ वहां के पार्कों की दुर्दशा को देखा और कहा कि केवल बजट पास करके इतिश्री कर देना नौकरशाही का काम नहीं है। स्थानीय नागरिक ग्रुप बनाकर नियमित सफाई अभियान चलाकर इन पार्कों को व्यवस्थित करने का कार्य करें। गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक स्वच्छता जन अभियान नहीं बनेगा तब तक यह सफल नहीं हो सकता। सरकार एवं जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका अवश्य निभाते हैं, परंतु जन समर्थन नहीं मिलने से यह अभियान अक्सर फेल हो जाता है। ऐसे में इस पवित्र काम में हर व्यक्ति की जन भागीदारी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।